आज ही सैटरडे चिकू का स्कूल का छुट्टी क्या है? स्कूल का क्या है? स्कूल का छुट्टी। अभी हम क्या करने वाले? खेली। चलो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। खांसी लगी है थोड़ी सी आपको? अभी आंटी भी आएगी, काम करेगी। पानी पिएगा वो, देखो शाम में पड़ा है। को देखो डायना के बाजू में पड़ा है वो, देखो डायनासोर पड़ा है ना। ग्रीन कलर आप पी लो। चलो सुबह हो चुकी है, सैटरडे है, रमजान जा रहे हैं वॉक पे। आंटी आएगी काम करेगी और ये चला वॉक पे। बाय, गया वॉक पे। फिर ब्रेकफास्ट लेके आएगा मेंदू वड़ा। क्या लेके आएंगे पापा? मेंदू वड़ा। ठीक है चलो मिलते हैं आपको। आज का क्या प्लान है आपको जल्दी बताइए। वॉक करने वो सोच रहा है मैं कौन सा शूज पहनूं वॉक करने के। ये पहनूं और एक और लेके आया ऊपर से चौथा नंबर। ये चार शूज लाए हैं, अभी चार में से सोच रहा है मैं कौन सा पहनूं। वाह भाई वाह, बढ़िया है रमजान बाबू, बढ़िया है, छा रहे हो तुम तो। आहा, और तुम भी जाओगे वॉक पे पापा का शूज पहन के? चिक्कू भी जाएगा वॉक पे? जो आप ही शूज लेकर आओ। इधर इधर या नीचे पड़े शूज पीछे पड़ जाएगी। फिर अपने शूज निकालो नीचे, देखो उसको भी वॉक पे जाना है। चार में से देखती हूँ ऐसा कौन सा शूज। सेल लगाती हूँ मैं इसका, ले लो सेल में ले लो। अपने शूज भी रखे अभी। क्या कहना है ऊपर से कोई बार गिरेगी? पापा के साथ बैठ के पूछे के शूज पहन रही है। कहाँ जा रही हो आप भी? वॉक पे जा रही हो? मेंदू वड़ा। अच्छा जाओ मेंदू वड़ा लेके आओ, जाओ पापा शायद। हाँ पहनो शूज, पहनो उल्टा नहीं सीधा है। कैसे शूज पहन रही है? इधर पापा इधर चिक्कू, दोनों सेम दोनों लगे शूज पहनने में। अभी दूसरा पहनो। पहले पक्को रेनकोट पहन लो अपना। अच्छा जाओ, चली रोना शुरू कर दी पापा की। जा रहे थे तो पापा जाओ लेके जाओ, बोला था शूज मत पहनाओ उसको। नहीं कुछ नहीं आएगी वो। हो गया बाय। क्या लेने जा रही हो? मेंदू वड़ा लेने जा रही है। हो गया पापा का वॉक। जाओ बाप बेटी वॉक करो। पीछे उसको बहुत समझ में आता है, ठीक है अभी वो छोटी नहीं है। उसको शूज मत पहना, वो तेरे पीछे पड़ जाएगी, तेरे वॉक पे जाने देगी नहीं। नहीं कुछ नहीं, वो पहन देगी, रोने वो जिद नहीं करेगी। और रोने लगी जोर जोर से, पापा मेंदू वड़ा गई वॉक पे भी गई, मेंदू वड़ा भी लेके आएगी। जाओ लेके जाओ। अच्छा मेरे तो अपना काम कर लेती हूँ, चलो फटाफट घड़ी चार्ज पे लगाई जाए। ओके 46% है। यहाँ पे लगा दिए मैंने चार्ज पे। ये है रमजान का ऑफिस, घर से जब काम करते तो वो यही बैठते हैं ऑफिस में अपने छोटे से ऑफिस। चलो किचन में भी चाय रखी जाए। चाय के बाद भरूंगी पानी की बॉटली। ये एक्चुअली हम लाए थे जो पानी की बॉटली, ये बहुत खराब हो चुकी है, इसे अभी हम करेंगे डंप। और मंगाई थी हमने न्यू बॉटल्स, वो आ चुकी है, बहुत प्रिटी है। दिखाओ ये हर कलर, माई फेवरेट कलर पिंक कलर। मैंने पहले ही चॉइस कर लिया, मेरा पिंक कलर है बहुत अच्छा। सब कलर्स अच्छे अच्छे हैं। अभी इसको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसमें बनेंगे पानी और वो बॉटल सब धो के रख देंगे, या तो आंटी ले जाएगी, आंटी का काम आएगा। तो चलिए फटाफट भरते हैं पानी पीने का। ओके चलिए, घर हो गया सब क्लीन। अभी थोड़ी देर के बाद आएगी, पूरा जो सामान मैंने सेट किया है फिर से खराब कर दी। और इनको देखो गाना सुन रहे हैं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्या आई? मेंदू वड़ा लाई, चिप्स भी लाई और मेंदू वड़ा भी लाई। क्या खाना है? क्या खाना है? चिप्स खाना है। चलो देते हैं। मेंदू वड़ा नहीं खाना?
पापा के साथ में गई मेहंदी उड़ा लेके आई, पर खाना नहीं अभी, पापा गए वॉक पे अभी। हाँ तो आप पापा को जाना नहीं देना, पापा अभी वॉक पे गए ना। फिर क्या खा रही हो? आपको मेहंदी उड़ा खाने को ना, सुबह से चिप्स लेके बैठ गई। हाँ पिट्टी चाहिए नहीं, नहीं क्या ये सुबह से खाया जाता है? हाँ इसे खांसी आती है ना? नो क्या है? ये आती नो खांसी? क्यों तू डॉक्टर है? नो खांसी खाओ, फिर मेहंदी वड़ा देगी मम्मा को। गई थी पापा के साथ में मेहंदी वड़ा लेने स्पेशली, वो वॉक पे अभी गया इसको छोड़ के। ये देखो क्या कर रही है पीछे, क्या खा रही है? चिप्स खा रही है, चिप्स लेके आई है। हंसती कैसे, बोलती नो खांसी। चलो ब्रेकफास्ट करते अभी फटाफट, अब आंटी आने वाली है इसके लिए। चलो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा सा। हाँ बेटा बाबा शिपी, कैसे बोलती बाबा शिपी बोलती दिखाओ, ये डांस कौन सा है? चिप्स खा के एनर्जी आई इसके अंदर। चलो हो चुका है डन, कपड़े धोते कल बहुत सारे थे, बारिश इतनी थी सूख रही थी, रात भर सुखाए हैं, सूख गए कपड़े, रैक पे डाल दी तो कपड़े सूख जाते हैं आराम से, तो टेंशन नहीं होती। ये रैक है, एक सब कपड़े सूख गए। अभी चिकू कपड़े लगाए धोने के लिए, स्कूल के भी है ना इसके लिए, और बाकी सब कपड़े ये रहे, ये प्रेस वाले सब निकाल दिए, नसीब सब सूख गए कपड़े, फटाफट से तय करके रख देती हूँ अभी, और फिर चिकू कपड़े डालती हूँ। चलिए बारिश में कपड़ा सूखना बहुत डिफिकल्ट है, तो रैक ले लो, सबसे बेस्ट है कपड़ों का, सबसे ईजी से कपड़े सब तले जाते हैं अच्छे से, और सूख भी जाते हैं सब एक एक करके। ठीक है चलिए कपड़े भी सब तय कर दिए, कल धोए थे बहुत सारे कपड़े, इतनी बारिश गिरी कपड़े सूख नहीं रहे हैं। क्या बोलना है चिकू को? हाँ भाई चिकू की मस्ती देख लो, हवा चल रही, बारिश हवा बारिश, सब कपड़े रात भर फैन पीछे रखे, रैक में डाल के कपड़े सब सूख गए। अभी चिकू के कपड़े लगाए क्योंकि स्कूल के कपड़े भी है उसके अंदर सब है, अब वो धुल के आएंगे तो वो सूखने डाल दूंगी, तो वो भी जाएंगे कल तक, वो भी सूख जाएंगे, तो प्रेस करा के रख देंगे। बारिश में कपड़े धो के सुखाना बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी मैं धोने के बाद मशीन लगाती हूँ, पर कपड़े में ढेर लग जाता है, पहनने वाले तीन जने पर कपड़े तो बहुत ही होते हैं। ठीक है हाँ बोलो क्या कर रही हो? नहीं मुझे नहीं चाहिए मसाज। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आपको एक अच्छी सी बेस्ट मशीन बताती हूँ, वॉशिंग मशीन, ठीक है, जो जिसमें गर्म पानी भी इनबिल्ट हीटर है, ये नहीं कि आपको बाहर से लगाना पड़ता है, ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट आता है, काफ़ी सालों से है ये, ठीक है। वर्लपूल की आती है वॉशिंग मशीन, बहुत अच्छी है, गर्म पानी भी आता है डायरेक्टली, आपको घड़ी घड़ी गीजर लगाओ अलग सा फिर कनेक्ट करो, ऑल वॉशिंग मशीन में ऐसा आता है, सिर्फ फ्रंट लोडिंग में छोड़ के, बट वर्लपूल की वॉशिंग में इनबिल्ट हीटर आता है 360। तो टेंशन नहीं होता, अच्छे से कपड़े भी धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। वर्लपूल 360 ये है 7.5 केजी की है, ठीक है। ये देखिए ये है, इसमें हॉट वॉश, वार्म हॉट सब दिया हुआ है, डे केयर वॉश है, बेबी केयर है, हर फंक्शन आपको मिल जाएगा इजिली, जिसमें इसमें डेली हैवी डेलिकेट वाइट कपड़े के लिए अलग सा दिया हुआ है, स्टेन है, बेबी केयर है बेबी के लिए अलग सा, वुलेंस के है, हॉट वॉश जिसमें जम्स होंगे वो, साड़ी, ये सब दी, अलग अलग फंक्शन है, काफ़ी अच्छी है और बड़ी भी है काफ़ी, ठीक है। ये चिकू कपड़े वॉश हो चुके हैं इसके अंदर और ज़रूरी नहीं, और ये है हॉट पानी, सिर्फ इसमें प्रेस करिए डायरेक्टली गर्म पानी आ जाता है, और आपको जो फंक्शन यूज़ करना है, जैसे आप स्टेन पे जाते हो ऑटोमेटिकली गर्म पानी आ जाता है, बेबी केयर में आ जाता है, हॉट वॉश में डालोगे तो जो भी कपड़े डालने बेडशीट वगैरह उसमें भी आ जाएगा, काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है ये। कपड़े भी बारिश है तो गर्म पानी में ही धोते, चिकू के कपड़े मोस्टली गर्म पानी में ही धुले जाते सब, ठीक है, और हम चादरी भी कब धोते हैं संडे संडे, जैसे कल चल बेडशीट लगेगी सब गर्म पानी में, तो अच्छे से कपड़े वॉश होते हैं। तो 360 इज बेस्ट, आप भी ले सकते हो, आप जाके सर्वे करिए, ठीक है, देख के आइए, वॉशिंग मशीन में काफ़ी आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये 5.5 केजी से चालू होता है, 6.5 केजी से चालू होता है, और रीजनेबल प्राइस भी है इसका बहुत, तो ऐसा नहीं, वर्लपूल इज द बेस्ट। कपड़े वॉश हो चुके हैं, चलिए अभी फटाफट डालेंगे इतने रैक पे डाल दूँ फटाफट सूखने के लिए, ठीक है। अभी आइए देखिए कपड़ा निकाल के देगी, अभी डांट खाइए, अब मेरे को भी कपड़े भी निकाल के देगी, इसको मस्त ही बोलते हैं।
दो मम्मा को 1 मंथ कपड़े निकाल गई पैपे डालने डालो जाओ 1 मंथ आराम से स्कूल का ड्रेस छोड़ दो स्कूल का नहीं डालना क्या नहीं ज्यादा ज्यादा दूध नहीं हाँ ज्यादा दूध नहीं पीते ठीक है गुड गर्ल हाँ बैड होता है आ चुकी है मैं पी रही हूँ चाय आंटी करी है काम मैडम लेटी है वहाँ पे बारिश चालू हो गई है फिर से चलिए चाय पीते रमजान अभी तक आई नहीं है अभी देखते क्या है खाना बनाना है या कहीं जाना है अभी आने के बाद मालूम पड़ेगा क्या प्लान है मिलती है आपको चुके हैं वॉक से मैंने उनको बोला आप बनाओ खाना वो ब्रेकफास्ट करके आए हैं बाहर से और उनको मैंने कहा मसूर की दाल बनाओ विद जीरा राइस तो वो बना रहे खाना आंटी मार रही कट का और हम दोनों बैठे हैं आज इसका डांट खाने का दिन है आज सुबह से दांत खाइए शेप दांत खाइए ना मम्मा ने डांटा डांटा बहुत छड़ा आओ रमजान से मिलाती हूँ इसमें दाल बन रही है इसमें दाल बन रही है इसमें दाल बना रहे मसूर की ये उबल भी नहीं है वही तड़का लगेगा ये रमजान है आंटी लोनचा लाइए मेरे लिए मस्त गाँव का पता है क्या टेस्टी है अचार ना मैंने फ्रिज में रखा है आंटी ने मेरे को टेस्ट कराया आंटी को भी टेस्ट कर देखो मैंने पहले खा लिया थोड़ा सा टेस्ट कर लिया क्या टेस्टी अचार है मैंने फ्रिज में रखा है आज खाने के साथ खाएंगे आंटी के गांव का अचार आम का यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी आम का है मस्त है हाँ गांव का अचार है ना गांव से मंगाया ना आंटी ने तू जा नॉनसेंस चलो यम्मी यम्मी टेस्टी अचार आया है क्या टेस्टी था इसकी मस्त काटे कराटे कौन सिखाया ऐसे सिखाया किसने टीचर ने सिखाया वेरी गुड अले वाह अले वाह अले वाह नाई नाई करके कराटे करा है मेरा बेटा गुड कितना मस्त कराटे करती है बोलती कितना मस्त है काटे चुके हम जा रहे हैं लिटिल वर्ल्ड बॉल बहुत दिनों बाद आज मैंने और रमजान ने सेम सेम कपड़े पहने हैं चिकू को उठा लो भाई वो बेचारी मैं देख रही है और ये रही हमारी चीकू हम ये नहीं लेके जाना है डॉक्टर चलो अभी हम जा रहे हैं लिटिल वन मॉल बहुत दिन से लिटिल मॉल नहीं गए वहाँ जाके आते घूम के आते हम दोनों ने सेम कपड़े पहन लिए अभी भी ने चलिए शूज पहनते हैं निकलते हैं बारिश नहीं है ये लालची है मरज को टॉय का लालच पापा की गोदी में चलनी फटक से कब से बोल रहा मेरी गोदी में नहीं आ रही है और जैसे टॉय का नाम है चढ़ गई हाँ बहुत ही है ये देखो धूप निकली अच्छी आ उतर गई नीचे चलिए इतनी की उठी लग रही है भाई ये चलती कैसे सैड हो गई हो क्या हुआ देखा मस्ती देखा मस्ती देखी उसकी आंखों में आंसू देखो आज उसका डांट खाने का दिन है सैटरडे आज सुबह से मैं डांट ही खा रही हूँ वो और आंखों में आंसू देखो कितने बड़े बड़े आते चलो जल्दी पापा जा रहे लेट्स गो मस्ती खोर अरे ए, कितना नाटक बापरे चलो कहाँ बैठोगी पीछे जाओ बैठो बारिश कौन सी आती है गाड़ी में रेन रेन गो बोल रही है कैसे बैठती छतरी लेके गाड़ी के अंदर खोल के लो फोन ले लो चल ये खोला इधर मास्टर DIB किधर बैठ रही है आते चालू इसका बैठना फाइनली मॉल ओपन हो चुका है पूरी तरह से बहुत बंद थे सब मॉल बंद हो चुके थे ना पापा
सब चलोगे ना, बट अच्छे से अभी लग रहा है ना, ये भी अच्छा कर दे लोगे, यहाँ जा सकते हैं, छठी अलग है बट चलो अच्छा लग रहा है, रौनक रौनक लग रही है, नहीं तो हम जब भी आते थे खाली रहता था पूरा, सब दुकानें बंद। चले अभी जाएंगे न्यू ड्रेस न्यू टॉय, चलो जा रहे हैं मैक्स। ये मैक्स तो भी ठीक है यार, वो वाशी वाले से तो बेटर है, इसमें कचरा नहीं है ज्यादा। क्या करोगे आप इससे, क्या करते हैं? कुछ ना कुछ देखिए यार, सब चीजें हाथ लगाएगी इधर बैठ के। इन सब में किस में बैठेगा फर्स्ट, किस में बैठेगा, इसमें बैठेगा? चलो गुड, दरवाजा बंद करिए। बाय, आ जाओ, बाय बाय चिकू, चलिए घूमने। चिकू ओए बाय, बस हो गया हो गया। चिकू चिकू बाय करो मम्मा को, यहाँ बाय फ्लैंकीज, कितनी खुश होती है, अलग अलग गाड़ी बैठना उसको। मैं जा रही हूँ ट्रेन, खुद के लिए कुछ देखने, रमजान को तो कुछ पसंद नहीं आया तो मैं अपने लिए खुद जाके देख लेती हूँ कुछ तो मेरे लिए। येलो कलर नहीं था, जैसे देखा येलो कलर बैठ गई है। ओए न्यू कार, न्यू कार, बाय, डोंट टच, भैया मना कर रहे ना टच नहीं करना है। हो गया एक ही राउंड, क्यूट है यार, देखो मम्मा को चालू कर ली खुद ही। खुद ही चालू कर ली। लिया कवर आईफोन का पिंक कलर में, अच्छा है बहुत। अभी लगा रही हूँ मैं इस पे स्क्रीन गार्ड, ठीक है। मेरे बच्चे ने गॉगल पहने, धूप आ रही है बहुत पापा के जैसे, पापा ने भी चश्मा पहना है, चिक्कू ने पहना है, चिक्कू पापा शेम शेम, मम्मा ने चश्मा नहीं पहना। रमजान उठ गए हैं सो के, उठाया मैंने, उठो चाय पीने, 5:15 हो गए अभी तक, पी लेते अभी उठे, चलो चाय ले लो, चाय रखिए गर्म गर्म विथ, हम खाएंगे पार्ली जी बिस्किट। इसको मैं कब से उठा रही हूँ, उठ जा नहीं उठ रही है, 6:45 रहे पर उठने का नाम नहीं है इसको, शाम के सुबह के नहीं, सारे उसको उठ जा उठ जा चीखो उठ जा, 6:45 होने आ रहे पर नहीं, नो स्लीपिंग टाइम, सॉरी अभी उठ नहीं रही, ठीक है अभी उठेगी थोड़ी देर में, 6 बजे उठी जाएगी। मैंने बोला चिक्कू उठ जाएगा 6 बजे तक, मीशो ने उठ गए उसके पति, मामा जाने रूपा जाने रूपा चिल्ला दो, चलो उठो फिर मामा को जाने के 2 दिन बस, चलो चलो
के पास मेरा डेंटल चेकअप है क्योंकि दांत में ये हो गया है, गैप हो गया है, तो फिलिंग करानी है और क्लीनिंग कराना है, ठीक है। तो उसके लिए जा रही हूँ अभी डेंटल के पास, तो चलिए मिलती हूँ आपको वहाँ पे। पीछे दोनों आ रहे स्लो स्लो, इसको देख कर चलने का स्टाइल लेट हो रहा है, चलो अभी अपॉइंटमेंट लेना है पहले, आधा घंटा जाएगा अभी उसके लिए मुझे। चलो जम जम कर रही है, बारिश रुकी हुई है, चलो आओ। शाम को 6:30 बजे कौन सी धूप लग रही है आपको चश्मा पहनने के बाद? चश्मे पहन के बैठी शाम को 6:30 बजे लड़की। मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, आधे घंटे में हो गया था सब कुछ, दो दांतों मेरे कीड़े लग गए थे आगे और इधर के, तो उसने फिलिंग किया है, क्लीनिंग किया पूरा दांत को, ठीक है अभी ठीक है। सेंसिटिविटी बहुत हो गई दांत में, तो वो भी करा दिए। बस अभी रमजान गए हैं चिरा और उसके बाद जाएंगे हम घर, फिर करेंगे हम डिनर। डिनर हमारा रेडी है ऑलमोस्ट, दादा को बनाया था खाना, तो चलिए मिलते हैं आपको अभी घर पे सीधा। बाय। हो चुका था डन, अब मैं जा रही हूँ सोने, बजे बस नींद आई है सुबह 6 बजे से उठ लूँ। तो चलिए आपको आज का मेरा चिक का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जल्दी नई वीडियो लाऊंगी आपके लिए। गुड नाइट, बाय बाय।